हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, मैं लिंक लिस्ट में जो डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं वो ऑपरेशंस में बताऊंगा, और एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इसका जो डिलीशन वाला ऑपरेशन है कि लिंक लिस्ट में से जो नोड्स होते हैं डेटा को कैसे डिलीट किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर मैंने एक इमेज ले रखी है और उसमें लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा जो स्टोर होता है वो एक नोड में स्टोर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, और इस नोड में डेटा के साथ साथ एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड को रेफर करता है। अगर यहाँ पर एक डेटा है तो ये जो सेकंड है ये बेसिकली क्या एक पॉइंटर है जिसमें इसका रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट का, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है। और लास्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पर नोड है नहीं इसके बाद, तो इसमें नल का रेफरेंस है। ठीक है, नल आ जाती है वैल्यू। तो हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाया। ये बेसिकली फंक्शन जो है एक टाइप का मान सकते हैं जब हम इसको कॉल करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक नोड है जिसमें मैंने क्या दिया, डेटा दिया है और नेक्स्ट दिया है। इसमें जो नेक्स्ट होगा नोड में, हमें अभी हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट उसमें नल हमने दे रखा है और एक डेटा ले रखा है। जो डेटा जो इसमें स्टोर होगा वो यूज़र देगा। ठीक है, तो हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हेड को नल ले लिया और उसका जो लिंक लिस्ट का साइज है उसकी वैल्यू 0 ले ली। देखो, इसमें जो इंसर्ट जो कर रहे हैं हम लोग डेटा, वो उसमें तीन वेराइटीज हैं, इंसर्ट नोड एट द बिगनिंग, एट द लास्ट, और एक होता है किसी भी पॉइंट पे। तो अगर हम बिगनिंग की देखें फंक्शनैलिटी, तो यूजर डेटा फिल करेगा, डेटा देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। मैंने नोड में ऑलरेडी एक फंक्शन लिख रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस। सो हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम लोग एक नोड बना सकते हैं जिसमें हम लोग अपना डेटा दे देंगे। तो हमारे पास एक नोड बन जाएगा जिसमें डेटा तो जो भी यूजर देगा वो, और उसका जो नेक्स्ट होगा बाय डिफॉल्ट वो नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, क्या भाई हमारी लिंक लिस्ट जो है क्या वो उसमें जो एम्प्टी तो नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर जो हेड है वो नल को ही जो पॉइंट नहीं कर रहा, या फिर उसमें कोई भी नोड नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर उसमें कोई भी नोड नहीं है इसका मतलब उसका जो हेड है वो नल है। तो हम क्या करेंगे, उसके हेड में जो भी हमने नोड बनाया है उसको हम दे देंगे। ठीक है, उसके साइज को बढ़ा देंगे और वहीं से रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिंक लिस्ट का जो हेड जो था, यहाँ पर हेड होता है राइट, तो हेड अब हेड के अंदर क्या आ गया है, नोड आ गया है। ठीक है, फर्स्ट इंसर्ट एट बिगनिंग। अगर बाई चांस मान लेते हैं हमारे पास ऑलरेडी ऐसे तीन नोड थे पहले से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, जो भी नोड का जो नेक्स्ट होगा ठीक है उसमें क्या दे देंगे, हेड दे देंगे, और जो भी हेड होगा अब वो जो नया जो नोड बना है उसको पॉइंट करने लग जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से आपको बताऊं कि लेट सपोज हमें ये तीन थे, हमने एक और नोड बनाया, तो हम क्या करेंगे, वो जो नोड बना है उसके नेक्स्ट में तो क्या दे देंगे, जो भी हेड जो था, क्योंकि हेड अगर मैं इसको यहाँ पर, जैसे आप इस कर्सर को देखना, यहाँ पर मैंने एक नोड बनाया है, तो इस नोड को ना क्या करना है, बेसिकली इस नोड को हमें जो यहाँ पर एक नोड बनाया ना उसको एज अ हेड कंसिडर करना है। तो इस वजह से मैंने जो 19 नंबर की लाइन है ना, जो दिस डॉट हेड, अब हमारा वो नोड हो जाएगा। जो भी नोड बनेगा उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसका मतलब ये पहले क्या था, ये भी हेड था फर्स्ट इनिशियली, तो इस वजह से नोड का जो नेक्स्ट है वो दिस डॉट हेड हो जाएगा, वहीं से हम रिटर्न कर देंगे साइज बढ़ा। ठीक है, जो लास्ट ऑपरेशन है बिल्कुल ही फर्स्ट की जैसा ही है। इसमें हमने नोड बनाया, हमने पहले देख लिया कि भाई लिंक लिस्ट में अगर एक ही नोड है या फिर लिंक लिस्ट में नोड ही नहीं है, उसका जो हेड है वो नल ही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हेड में बेसिकली उस नोड को दे देंगे, तो दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नोड, और साइज बढ़ा देंगे। अगर उसमें ऑलरेडी नोड थे जैसे इसमें थे, तो हम लोग हमें क्या करना है, लास्ट में जाना है। ठीक है, लास्ट में जाएंगे, हमें बस बेसिकली इस नोड तक पहुंचना है जो भी लास्ट है। तो हमने क्या करा, करंट नोड लिया जो कि दिस डॉट हेड है, मतलब यहाँ पर गए हम लूप आइट्रेट करेंगे, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट जाते जाएंगे। कब तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है ना, तो इसकी कंडीशन है कि भाई इस वाले का जो नेक्स्ट है वो नल है, तो इस वजह से वाइल लूप में वो कंडीशन लगा दी, और करंट जो नोड है उसको हम आगे बढ़ाते गए। ठीक है,
जब ये यहाँ पर पहुंच गया मतलब वाइल लूप की कंडीशन टर्मिनेट होगी तो हम इस वाले नोड पे आ गए। हमें बस करना क्या है, हमें इसका जो नेक्स्ट है अब नल पॉइंट ना करा करके हमें जो भी हमने नोड दिया उसमें उसको पॉइंट करा देना, दैट्स इट। तो इंसर्ट एट एनी पॉइंट, इसमें देखो कंडीशंस भी लग सकती हैं कि लेट सपोज अगर उसने ऐसा इंडेक्स दे दिया यूजर ने कि वो उसका जो साइज है लिंक्ड लिस्ट का उससे भी बड़ा है या फिर उसके साइज से भी छोटा है, तो उस समय हम रिटर्न अनडिफाइंड। अगर उसने इंडेक्स वन दे दिया मतलब कि भाई हमें यहाँ पर ही इसको इंसर्ट कराना है, तो बेसिकली इंसर्ट एट द बिगनिंग हो गया जो ऑलरेडी हमने फंक्शन बना रखा है ऊपर। अगर उसको दिस डॉट साइज माइनस वन मतलब जो भी उसका साइज था उससे एक वैल्यू कम, तो हम कह देंगे कि उसको जो नोड इंसर्ट कराना है वो लास्ट में कराना है। एक केस वो बनेगा कि अगर वो ना तो स्टार्टिंग में कराना चाहता है ना लास्ट में, इन बिटवीन लेट सपोज यहाँ पर उसको इंसर्ट कराना है ठीक है, जो कि उसकी पोजीशन है 2 नंबर में ठीक है, फर्स्ट पे तो ऑलरेडी है, 2 पे उसको इंसर्ट कराना है। तो देखो इंसर्ट कराने के लिए हमें ये जो प्रीवियस नोड है ना उसको भी हमें होल्ड करके रखना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे हमें क्या करना है, जो भी प्रीवियस जो था क्योंकि अभी किसको पॉइंट कर रहा था इस वाले को, तो वो प्रीवियस जो है ना जो नया लिंक नया नोड बनेगा, तो अगर मैं इस कर्सर पे यहाँ पर एक नोड ऐसा मान लेते हैं नोड बनाया, तो ये जो पॉइंटर है वो यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अब प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो नोड इसका नोड पे कंसर्ट और जो नोड बना है उसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करने लग जाएगा ठीक है। हमें ना लिंक लिस्ट में ये जो पॉइंट्स पॉइंटर है एक टाइप का रेफरेंस है जो नेक्स्ट है उससे ही खेलना है ठीक है, मोस्टली केसेस में। तो जैसे इसमें मैंने बताया आपको सबसे पहले तो हमें ना इस जहाँ पर यूजर इंसर्ट कराना चाहता है उस इंडेक्स तक पहुँचना है। उस इंडेक्स तक पहुँचने के लिए ना हमें ये और देखना है कि जैसे मान लेते हैं कि हमें उसको यहाँ पर इंसर्ट कराना था 2 पे, तो हमें प्रीवियस और उसका जो करंट है दोनों की वैल्यू को लेकर के चलना है। तो इस वजह से आप देखोगे कि प्रीवियस में तो करंट आ गया और करंट में उसका नेक्स्ट आता जा रहा है। जब ये लूप एंड होगा तो हम यहाँ पर पहुँच गए, तो हम देखेंगे हमारे पास प्रीवियस भी है हमारे पास करंट भी है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट में जो भी नोड बना है वो और नोड के नेक्स्ट में करंट, तो इस तरीके से वर्क करेगा। ओके और प्रिंट कराना एक टाइप का हेल्पर फंक्शन मान सकते हैं कि हमें अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट कराना हो, तो इसमें क्या करेंगे अगर उसका साइज लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं इसका साइज 0 तो अनडिफाइंड, अदरवाइज क्या करेंगे करंट नोड पे जाएंगे और उससे लूप आइटरेट करते जाएंगे, और जब ये नोड कुछ बचेगा नहीं ठीक है व्हाइल लूप की बार कंडीशन ओवर हो जाएगी, तो ईच टाइम हम लोग उस जो भी इस नोड है उसमें डेटा को प्रिंट करते जाएंगे ठीक है। तो और ये क्वेश्चंस हैं, उससे पहले मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ। मैंने एक माई लिस्ट बनाई, उसमें मैंने बिगिनिंग में 24 23 22 21 इंसर्ट कर दिया, मैंने लास्ट में भी इंसर्ट करे हैं डेटा, इंसर्ट नोड एट लास्ट दोबारा से इंसर्ट कर दिया, फिर लास्ट में उसको प्रिंट करा दिया। तो अगर हम इसका देखें तो ये बेसिकली ऐसा दिख रहा है। देखो सबसे पहले हमने बिगनिंग में 24 करा, तो 24 यहाँ पर आ गया ओके, फिर हमने इंसर्ट दोबारा से बिगनिंग में 23 करा, तो ये जो था ना बिगनिंग वाला अब ये जो 1 नंबर पे था ये 2 पे पहुँच जाएगा ठीक है। मतलब जो हमारा जो नया नोड बनेगा वो बिगनिंग वाला हो जाएगा, मतलब 23 इज द बिगनिंग एंड 24 उसके बाद वाला नेक्स्ट। ऐसे अगर हमें ये बिगनिंग में लाना है तो 22 को पहले करेंगे फिर बाकी को एक आगे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे इंसर्ट नोड एट बिगनिंग, और लास्ट में करना होगा तो लास्ट में जो भी होगा अगर हम इसको देखें देखो 21 22 23 24, तो लास्ट में 24 आया और लास्ट में हमें फिर उसके बाद 100 इंसर्ट कर दिया, फिर उसके लास्ट में 1220 कर दिया ठीक है। और जो इसकी एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, ये काफ़ी गुड न्यूमेरिकल्स है, जैसे फाइंड नोड एट केयर पोजीशन फ्रॉम द लास्ट। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल देखो, हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है 20 21 22 23 24, हमें पूछा है कि फाइंड नोड एट 2 मतलब कि वो भी 2 लास्ट से है। अगर हम इसका जैसे देखें लास्ट पे जाएंगे तो 24 फिर 20 मतलब 1 और 2 तो 23 आंसर आना चाहिए ठीक है। इसके देखो दो अप्रोच हो सकती हैं इसको करने की, एक तो हो सकता है कि भाई हम अगर हमें ऑलरेडी साइज गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे जो भी नंबर जो दिया है हमें उसको साइज में से माइनस करके एक प्लस वन कर देंगे, तो हमें बिगनिंग से मिल जाएगा वो, पहली चीज हम इस तरीके की अप्रोच ले सकते हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, जब बिगनिंग से मिल गया हम करंट नोड को लेंगे उसमें आइटरेट कराते जाएंगे,
और लास्ट में जो भी आइटरेट होने के बाद हम जिस नोड पे पहुंचेंगे वो हमारा, उसमें से बस हमें डेटा को कंसोल करा देना है। एक तो ये एक सॉल्यूशन है इसका। दूसरा क्या है कि लेट सपोज हमारे पास वो साइज गिवन ही नहीं है लिंक्ड लिस्ट का, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें क्या करना है, दो पॉइंटर्स लेने हैं, स्टार्टिंग पॉइंटर और एंडिंग पॉइंटर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके नीचे मैं इसको, ठीक है, देखो स्टार्टिंग पॉइंटर एंडिंग पॉइंटर इस वजह से ले रहे हैं, लेट सपोज के की वैल्यू 2 लेती है इसको, ठीक है, मतलब 23, या फिर हम लेट सपोज के की वैल्यू हम ले 3, तो हमें क्या करना है 22, तो ये वाला डेटा को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 पे जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंटर हमारा 20 होगा, हमारा एंडिंग पॉइंटर भी इसी को पॉइंट करेगा। हमें क्या करना है, जो हमारा जो एंडिंग पॉइंटर है ना, पहले उसको यहाँ तक पहुँचाना है 22 तक। तो ये जो लूप है वो वही काम कर रहा है कि हमारे एंडिंग पॉइंटर को 22 तक पहुंचा रहा है, मतलब जो भी नंबर दिया होगा वहां तक पहुंचा देगा। तो अब आप विजुलाइज करो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर 20 है और जो एंड पॉइंटर है वो 22, जिस भी नंबर, जो भी नंबर हमें गिवन होगा यूज़र से। तो क्या करना है, हमें 22 को आगे शिफ्ट करना है, साइमल्टेनियसली 20 जो स्टार्टिंग पॉइंटर है उसको भी आगे शिफ्ट करना है। तो ये जो वाइल लूप है वो यही काम कर रहा है। और ये कब तक करना है कि भाई जो भी एंडिंग पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, जैसे लेट सपोज एंडिंग पॉइंटर 22 पे था तो आगे शिफ्ट हुआ 23, तो वो स्टार्टिंग वाला 21 पे आ गया। अब ये 23 से 24 हुआ तो ये 22 पे आ गया। अब इसके बाद तो ये नल हो गया, तो हमें मिल गया ना 22, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें स्टार्टिंग पॉइंटर को भी शिफ्ट कराना है, एंडिंग पॉइंटर को भी शिफ्ट कराना है, और जो स्टार्टिंग पॉइंटर जहाँ वो पहुँचेगा जब ये लूप की टर्मिनेशन आ जाएगी, तो वो उसके अंदर जो हमारा डेटा ही होगा। तो ये इस टाइप की अप्रोच इसमें होती है। अदरवाइज अगर साइज गिवन है तो डायरेक्टली हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करके लिंक लिस्ट को आइटरेट करेंगे और हमें वो जिस भी हम नोड पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर हमें डेटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट को आप इसको ट्राई करिए, एक से ज्यादा बार इस चीज को देखिए और इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। इंसर्ट नोड इसमें ना विजुलाइज करिए कि जो पॉइंटर है इसको कैसे हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो हमें इस नोड का रेफरेंस हमें रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, या फिर इस नोड का रेफरेंस रखना पड़ेगा जिससे वो नेक्स्ट को पॉइंट करे और नेक्स्ट वाला इसको पॉइंट करे। तो इस तरीके से इसमें पॉइंटर्स का खेल है। आप इसको ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे मैसेज करना। ओके, सो या थैंक यू सो मच।